दोस्तों, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो और आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है और आप अपना पासवर्ड रीजनरेट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैंने पहले वीडियो में अनलॉक यूजर आईडी कैसे किया जाए वो मैंने बताया था। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक में मिल जाएगा। और दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था कि प्रोफाइल पासवर्ड कैसे रीजनरेट करें, ट्रांजेक्टर पासवर्ड कैसे रीजनरेट करें, जो ही वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आई बटन में मिल जाएगी। चलो दोस्तों, समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे पासवर्ड रीजनरेट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। चलो दोस्तों, समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई पण ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां लिखिए BOB इंटरनेट बैंकिंग और जो सेकंड वाली लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के होम पेज पे आ गए हैं। अब आप अपना जो यूजर आईडी है इंटरनेट बैंकिंग की वो डालिए। उसके बाद जो फाइल नंबर पे सेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद रीजनरेट ट्रांजेक्टर पासवर्ड OTP ईमेल एंड फोन नंबर पे क्लिक कीजिए, जो पहले नंबर वाला ऑप्शन है। कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए और जो बैंक में आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इंटर कीजिए और उसके बाद फिर से कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। जो आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे OTP आया है जो 6 डिजिट का है, जो ईमेल से आया है वो और जो फोन से आया है वो दोनों आपको यहाँ OTP ऐड करना है। उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जो जस्ट ट्रांजेक्टर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और जो आप ट्रांजेक्टर पासवर्ड और पासवर्ड दोनों चेंज करना चाहते हो तो थर्ड नंबर पे क्लिक कीजिए। तो मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो न्यू पासवर्ड यहाँ ऐड कर दीजिए। किस तरह का पासवर्ड बनाना है ऑलरेडी वहाँ लिखा है, आप उसमें नेम सिंबल सब कुछ मिस करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए और उसके बाद सेम नीचे वाले ऑप्शन पे सेम पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए और देखिए आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो गया है। बैक टू लॉगिन पे क्लिक कीजिए और हम लोग होम पेज पे आ गए हैं। अब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और जो कैप्चर दिया गया है वो डाल दीजिए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। देखो, आप लोगों का अकाउंट सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। आप लोगों को जो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।